हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 28 मार्च 2020 दिल्ली के अंदर आनंद विहार बस स्टैंड पे जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो क्यों हुई और क्या ये लॉकडाउन के लिए सेफ है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस सिचुएशन की रूट्स है लॉकडाउन, और लॉकडाउन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है क्योंकि सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 एक बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है और ना उसकी कोई वैक्सीन है। इसलिए हमारे देश को लॉकडाउन पे रखा है ताकि हम ये बीमारी फैले ना, हमें ये चैन ब्रेक करनी है। और इस बात को सारे सिटीजन्स ने बहुत अच्छे तरीके से माना भी और मान भी रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आगे आ गई उन लोगों के लिए जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, मतलब डेली वेज वर्कर्स के लिए और लेबर्स के लिए। तो उनके आगे ये समस्या आ गई कि सारे काम खत्म हो चुके, बंद हो चुके, तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। इस चीज को ओवरकम करने के लिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री खाना लोगों को बांटा है जो लोग फंस गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया था हर जगह लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से सारी ट्रेन और सारी बस सेवा सारी बंद करवा दी है, तो ये दिक्कत हुई शुरू में। और जो 28 मार्च 2020 को जो आनंद विहार बस स्टैंड पे जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, वो डेली वेज वर्कर्स की और लेबर्स की थी। और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने गांव में जाएं और वहां जाके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे रुक चुका है और कोई खाना नहीं मिल रहा, तो हम भूखे नहीं मर सकते। तो ये बात है उनका, उनका ये पक्ष है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करी है 28 मार्च को, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये अनाउंस कर दिया, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने, कि वो 1000 बसेस चलाएंगे इन लोगों के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि वो 100 बसेस चलाएंगे ताकि ये लोग उसमें बैठ के अपने अपने आइडियल लोकेशन पे चले जाएं। अब बात करते हैं कि क्या ये सिचुएशन लॉकडाउन के लिए सही है। एक बार आप ये वीडियो देखें। लॉकडाउन का मेन प्रिंसिपल ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मतलब 1 मीटर का कम से कम गैप होना चाहिए दो बंदों के बीच में, और इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग क्यूज बनवाई, लाइनें लगवाई, ताकि लोग थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा पाए, और जो ओवरक्राउडेड व्हीकल्स थे, बसेस थी, उनको कम करवाया, मेंटेन करवाया प्रॉपर तरीके से। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें कहां किसकी दिक्कत, किसकी गलती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी रही है या इन लोगों की तरफ से कमी रही, इस चीज को आप कमेंट में मेंशन करके बताएं मुझे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस सिचुएशन के बारे में एग्जैक्ट पता चले कि उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं।